आज हम मेडिसिन को अनपैक करने वाले हैं। आइए। सो आज हमारे पास मेडिसिन आई है, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था डायरेक्ट कंपनी से। सो आप देख सकते हैं सिमिलिया होम्योलैब। सो एक केरला की एक होम्योपैथिक कंपनी है जो कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। कुछ ऐसे टिंचर्स थे जो मुझे अपने लोकल ब्रांड्स में नहीं मिल पा रहे थे, जैसे SBL, श्वाबे, रेडपैक वगैरह में। सो मैंने सिमिलिया में डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट किया और कुछ स्पेशल डिमांड पे कुछ अपने स्पेशल टिंचर्स ऑर्डर करवाए हैं। सो आइए आज हम देखते हो कौन से स्पेशल टिंचर्स है जो मैंने सिमिलिया कंपनी से ऑर्डर करवाए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी है सिमिलिया होम्योलैब, अलुवा पारूर रोड, करुमलूर, केरला। तो वहाँ से पैकेज आया है। इसमें कुछ रेयर टिंचर्स हैं, यानी कि कुछ खास ऐसे टिंचर्स हैं जो बाकी कंपनीज में अवेलेबल नहीं थे एंड काफ़ी अच्छी अवेलेबिलिटी थी इनकी। एंड कुछ स्पेशल ऑर्डर पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक टिंचर्स भी बनाए हैं जो कि यूजुअली आपको मिलते नहीं हैं, बट सिंस उनके काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट और रिजल्ट हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडीज दैट आई हैव डन ऑन इंटरनेट एंड अदर रेलिवेंट लिटरेचर्स ऑफ होम्योपैथी, तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ इस पैकेज की जो कि आया है सिमिलिया होम्योपैथ द्वारा। तो आइए इसकी अनपैकिंग करते हैं। सो आइए हम इसे अनपैक करते हैं और आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख पा रहे होंगे ये सारी मेरी होम्योपैथिक मेडिसिन का ही स्टॉक है। सो इतना ज़्यादा मेडिसिन हमको रखनी पड़ती है पर्याप्त अमाउंट में, बिकॉज होता क्या है कि अक्सर हमारे पास शॉर्ट हो जाता है जब स्टॉक, तो उस समय बहुत दिक्कत पड़ती है, इसलिए आई यूजुअली बाई देम इन अ बल्क अमाउंट। तो आप देख सकते हैं सभी कंपनीज, इनफैक्ट एडल जर्मनी की भी है, वीजर, SBL, श्वाबे, ऑलमोस्ट सभी कंपनी के यहाँ पे आपको होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स मैं रखता हूँ, बिकॉज इन प्रोडक्ट्स की मेरे को ज़रूरत पड़ती है एज पर द डिमांड ऑफ द पेशेंट एंड द रिक्वायरमेंट फॉर क्विक रिलीफ। तो ऐसा नहीं है कि हम इस काम को कहीं से कहीं रिटेल में करते हैं या फिर कहीं कुछ थोक का काम है, यू नो आपको बस ये प्रोडक्ट्स तभी मिल पाएंगे अगर आप एक डॉक्टर्स कंसल्टेशन लेके या तो मेरे पास आ सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, मैं तब आपको दे सकता हूँ, वरना मैं यूजुअली अपने ही प्रिस्क्रिप्शन में ऑर्डर्स कुछ प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करता हूँ। सो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए आइए अब हम अनपैक करते हैं सिमिलिया का ये पैकेज जो हमारे पास आया हुआ है। और अब इसी स्टॉक के साथ जो कुछ चीज़ें हैं हम इसमें से जो इस समय इस्तेमाल करेंगे उनको हम अपनी मेन फार्मेसी में रख लेंगे और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बाकी मेरे जो होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स हैं, ये जो मेरा गोडाउन है यहाँ पे। सो आइए इसे अनपैक करते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पैकिंग में आया है, बिकॉज प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़रूरत थी सिंस काफ़ी दूर से आ रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड ये केरला से उत्तराखंड जब इस प्रोडक्ट की डिलीवरी हो रही है इतने बड़े ऑर्डर की, सो इसके काफ़ी अच्छे से इन्होंने पैकिंग करके भेजे हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स आए हैं, कुछ इन्होंने पेटेंट के सैम्पल प्रोडक्ट भी दिए, सो विल यूज़ इट, और अपना इन्होंने जो कैटलॉग है वो भी हमको दिया है। ठीक है, इसको साइड कर लेते हैं। अब आइए हमारे मेन जो हमारा ऑर्डर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला है ये कुछ ऐसे पैटेंट्स भी है जो मैंने मंगवाए थे, इसको भी अभी साइड करते थे। जो हमारा मेन प्रोडक्ट है ना आपको उसकी तरफ फोकस लाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है, तो ये रहा हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट जो कि आप देख पाएंगे, ये है बेलाडोना का ऑयल। सो आप देख सकते हैं बेलाडोना का ऑइंटमेंट भी आता है, बट कुछ लोगों की स्किन अगर ज़्यादा ऑयली होती है या फिर ड्राई भी होती है तो भी हम बेलाडोना का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने ये भी मंगवा रखा है, जहाँ पर भी सेल्यूलाइटिस की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर तो इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं हमारे उन रेयर टिंचर्स की तरफ जो मैंने ऑर्डर किए हैं। आइए हम इसको भी अनपैक करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पहला टिंचर है जो हमने रेयर वाला मंगवा रखा है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला रेयर टिंचर है जो कि बहुत मुश्किल से मुझे मिला, बिकॉज बाकी किसी ब्रांड में अवेलेबल नहीं था, शायद श्वाबे जर्मनी में ये चीज़ अवेलेबल थी बट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, तो कहीं ना कहीं हमें पेशेंट के लिए भी इकोनॉमिकल एक ऑप्शन तैयार रखने पड़ते। सो इसी वजह से मैंने ये ऑर्डर केरला से प्लेस किया था, बिकॉज सिमिलिया होम्योलैब बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है एंड काफ़ी बड़ी रेंज है इनकी, कुछ रेयर टिंचर्स भी ये बनाती है। तो आप देख सकते हैं ये जो अगला प्रोडक्ट है उसका नाम है
बहुत ही रेयर टिंचर है, आपको शायद नया टिंचर इसके बारे में सुनने को मिलेगा। ये है यूजीनिया जंबो का मदर टिंचर, तो आप देख सकते हैं यूजीनिया जंबो मदर टिंचर, ठीक है। सो इसका भी यूज़ होता है, आने वाले वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इन टिंचर्स की यूज़ क्या है, बिकॉज ये काफ़ी रेयर टिंचर्स है, ये आपको यूजुअली अवेलेबल नहीं होंगे। इनफैक्ट मेरे कुछ टिंचर्स तो अभी ऐसे भी है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें जो कंपनी ने स्पेशल डिमांड पे मेरे लिए कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके भेजे हैं मेरे पास। सो इस तरह की काफ़ी चीज़ें, तो ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा गाइस, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गिरा इसका इनवॉइस भी 18,000 का ऑर्डर है, क्योंकि इसमें कुछ रेयर टिंचर्स हैं जो कॉस्टली भी रहते हैं और कुछ टिंचर्स स्पेशल डिमांड पे भी वो करे गए हैं, और बाकी इनका कैटलॉग वगैरह तो आराम से इनको देखेंगे हम। बट फिलहाल के लिए बस इतना ही था, इसको अभी मैं साइड रख देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं सिमिलिया होम्यो लैब की तरफ से ये सब आया हुआ है। और तो ये था हमारा फार्मेसी, और जो जितना भी स्टोर है, जो भी हमारे एक्स्ट्रा मेडिसिन है, वो सब मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अलग तरह का कंटेंट इस चैनल में लाने की कोशिश करता हूँ। सो आई होप आपको ये भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।